नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, ये परिचित के माध्यम से लेखक डॉक्टर सूर्यनारायण रुसुबे कहते हैं कि हिंदी भाषा में जो अन्य भाषाओं से शब्द आए हैं, जो शब्द भाषा हिंदी भाषा की समृद्धता बढ़ा देते हैं। हिंदी भाषा समृद्धता बन चुकी है, अन्य भाषाओं का शब्दों का प्रयोजन, जो संग्रह इस भाषा में संस्करण हुआ है, इसलिए हिंदी भाषा का समृद्धता इस शब्द के माध्यम से बढ़ चुकी है। जैसे कि हिंदी में संस्कृत से शब्द आए वर्षगांठ और मांग पत्र, और जो शब्द है अपने अरबी भाषी भाषा से हिंदी में आए थानेदार है, किताब घर है। अंग्रेजी में संस्कृत से शब्द आए रेल यात्री, रेडियो तरंग, जो शब्द अरबी से फारसी से अपने अंग्रेजी भाषा में आए, ऐसे शब्दों का संस्करण हिंदी भाषा में आया है। अंग्रेजी में अरबी भाषा शब्द बन चुका है बीमा पॉलिसी। इस शब्द से अंग्रेजी, अरबी भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा से जिस शब्द का संस्करण हिंदी भाषा में आ चुका है, ये संस्करण हिंदी भाषा का बहुत ही प्रभाव निर्माण करता है, महत्व बढ़ाता है। यह शब्द का संसार बहुत ही विचित्र है। हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे बन जाते हैं जो अपने क्षेत्र के लिए सीमित बन जाते हैं। जैसे माँ शब्द जो है, जुमा शब्द अपनी मातृभाषा को छोड़कर कहीं नहीं जाता, वो बहुत ही भाषा का हिंदी भाषा का शब्द लाडला है। ऐसे कई शब्द हिंदी भाषा में लाडले हो जाते हैं जो अपने माँ को मातृभाषा को छोड़कर कहीं नहीं जाते। ऐसे अन्य भाषाओं के शब्दों का मिलजुलन, उनका घुलमिल, उनका मिलजुलन या शब्द में होता है, संस्करण हो जाता है, तो भाषा का समृद्धता और बढ़ जाते। जैसे पुर्तगाली है, अरबी है, फारसी है, संस्कृत है, अंग्रेजी भाषा के कई शब्द हिंदी भाषा में आए हैं, उसका प्रयोजन हुआ है। तो जैसे रेल है, कार है, बस है, स्टेशन है, रेडियो है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल इसमें हिंदी में किया जाता है। लेकिन ऐसे शब्द का इस्तेमाल हम प्रयोजन कब कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास कोई प्रति शब्द नहीं है। प्रति शब्द न होने के कारण हमारे पास जो शब्द और भी सुंदर होते हैं, उसका प्रयोजन हमें सही जगह करना चाहिए। जैसे माता पिता के लिए माँ है, अम्मा है, अन्ना है, अक्का है, बापू है, दादा है, इस शब्द का हमें प्रयोग करना चाहिए। जब हमारे पास उसके ऐसे सुंदर शब्द है तो इसका हमने जरूर प्रयोजन करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। इस सुंदर शब्द के बजाय हम अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इस शब्द भाषा की सुंदरता को अपमानित करते हैं। ऐसा लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण रुसुबे इस परिचित के माध्यम से हमें कहते हैं कि शब्द हमें जो सुंदर शब्द है हमारे मातृभाषा से हिंदी में आए, ऐसे शब्द का ही हमें सही जगह पर प्रयोजन करना हमारी भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए, बहुत ही सुंदरता बढ़ाने के लिए वो मायने रखता है, उचित होगा, ऐसा लेखक ने बताया है।